अम्बाला में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला देर रात को उस वक्त का सामने आया जब अम्बाला के जड़ौत रोड पर मंडोर में बंद गोदाम में शराब से भरे दो ट्रक पुलिस ने बरामद किए, जहां गोदाम जगजीत की अवैध कॉलोनी में बताया जा रहा है। जब पुलिस ने इस अवैध गोदाम पर छापा मारा तो बाहर से शटर बंद मिले, लेकिन अंदर जाने पर गोदाम के भीतर दो शराब के अवैध ट्रक पाए गए, लेकिन दोनों ट्रकों के ड्राइवर और क्लीनर गायब मिले। डीएसपी हेड हेडक्वार्टर सुल्तान सिंह ने बताया कि पकड़ी गई अवैध शराब के बारे में जांच की जा रही है और जो भी इस अवैध शराब के धंधे में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस ने एक्साइज विभाग के बीडीओ भगत सिंह को मौजूदगी में दोनों ट्रकों को पंजोखरा थाने में अपनी कस्टडी में लेकर भेज दिया है। बता दें कि कई बार पहले भी अम्बाला में भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। सूचना मिली थी कि यहाँ ये गोदाम है मंडोर गांव में और इसमें कुछ शराब के दो ट्रक खड़े हैं, यहाँ पहुंचे हैं, दो ट्रक मिले हैं, अभी इनमें चेक किया जाएगा कि इसमें मार्का क्या है, कहाँ से आई है, अभी तक इसका वो चेक करेंगे। अभी इसमें कुछ है चंडीगढ़ मार्का है, कुछ इसमें रॉयल के नाम से है तो इसमें, लेकिन हम चेक करेंगे, चेक करना पड़ेगा कि बीच में पीछे क्या पेटी है, बीच में क्या, भी ट्रकों को चेक करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। जो भी आएगा इसके अलावा भी कोई बीच में आएगा जिसकी भी मिलेगी संलिप्तता मिलेगी उसे भी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।